हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब। स्टडी वाइब पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंट में मैंने एक लेक्चर बनाया था, व्हाट्सअप किस तरह से हैक किया जा रहा है। तो अभी व्हाट्सअप का एक और न्यूज़ रिसेंट में बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि पिंक व्हाट्सअप, जो व्हाट्सअप का ही दूसरा रूप है, पर यहाँ पर ये भी एक तरह से हैकिंग का ही प्रोसेस है। वायरस फैलाया जा रहा है आपके फ़ोन के माध्यम से, इस माध्यम से वायरस फैलाया जा रहा है। तो ये भी एक टॉपिक है, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ उस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर करंट इश्यूज़ के काफ़ी लेक्चर्स डिस्कस किए जाते हैं। साथ में कई सीरीज़ भी चल रही हैं और कई शॉर्ट वीडियोस और उससे रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लॉट ऑफ नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर अवेयर कर सकते हैं। PDF ओनली टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। फेसबुक पेज पर भी PDF मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो क्या है टॉपिक? इंडिया न्यूज़ का टॉपिक है कि व्हाट इज़ व्हाट्सअप पिंक, हाउ इट वर्क एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट। मतलब क्या है क्या नहीं है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से मेरा सोर्स है, जहाँ से मैंने इस लेक्चर को लिया है, ठीक है ना। इस तरह से बताया गया है कि व्हाट्सअप पिंक, इसमें हालांकि इसमें क्या बात है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप ग्रीन कलर का होता है सभी के फ़ोन में, अपन देखते हैं। पर अभी क्या बोल रहा है कि कुछ लिंक ऐसे दिए जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि आप व्हाट्सअप को पिंक कर सकते हैं। इस तरह से नोटिफिकेशन बताया जा रहा है, फ्री में आप इसको कर सकते हैं, ये चीज़ उसमें कही जा रही है। तो हालांकि हो क्या रहा है इसका, मैं पूरा आपको वर्क प्रोसेस बताता हूँ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, क्या कर रहे हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के माध्यम से क्या किया जा रहा है, कुछ लिंक्स प्रोवाइड की जा रही है। वो लिंक्स ये प्रोवाइड की जा रही है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, HTML होती है या फिर HTTP साइट से लिखी हुई लिंक्स फाइल्स होती हैं, उसके ऊपर बताया जाता है कि आप उस पर साइनअप कीजिए। और APK जो होता है, एप्लीकेशन पैकेज जो फाइल होती है APK, उसको डाउनलोड कर लें और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो व्हाट्सअप का जो कलर है, ग्रीन कलर का दिखता है व्हाट्सअप, वो ग्रीन कलर से आप क्या कर देंगे, उसको पिंक में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा उसमें बोला गया है। तो ये सब लोगों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। तो कुछ दिनों से ऐसा बोला जा रहा है, मैसेजिंग है, कॉलिंग ऐप है, उसके अंदर कुछ दिनों से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं, अवेयर हो जाइए आप इन सब से, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं हैकर्स, और वायरस भी दिया जा रहा है जिसके थ्रू आपके फ़ोन में मालवेयर एंटर हो जाएगा। तो इसमें और किस तरह से किया जा रहा है कि कोई भी ग्रुप में आ जाती है लिंक, आप उसको क्लिक कीजिए, आपको नए फीचर्स मिलेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, इमोजीज हुए या फिर और भी कई फंक्शंस आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे इमोजीज दिल वाले हुए या फिर स्माइल करते हुए फेसी स्माइली फेसेस हुए, हैंड हुए, तो कुछ नए इमोजीज आपको मिल जाएंगे, ऐसा उसमें बोला गया है। तो इस लिंक को किस तरह से सर्कुलेट किया जा रहा है, तो वो स्मार्टफोन के अंदर APK में इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फाइल जो होती है। कुछ क्या होता है कि कुछ व्हाट्सअप जैसे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर से अपन क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। पर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है थर्ड पार्टी, जिसे हम प्ले स्टोर के अलावा हम उसकी वेबसाइट पर जाकर उससे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन जो उस पर प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, हालाँकि जो रिलायबल सोर्स हैं आप वहाँ से ही उसको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें कोई भी ऐप, पर फिर भी कोई थर्ड पार्टी ऐप होता है तो आप वहाँ से जाके नहीं, उसकी साइट से जाके करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर और भी कई साइट्स हैं, आप जैसे गेमिंग हुए, छोटे मोटे बच्चे यूज़ में लेते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो वहाँ पर नहीं होते हैं पर उनके एप्लीकेशन पर होते हैं। तो यूज़र्स को ये बताया गया है कि उन्हें लिंक प्रोवाइड होता है ऑफिशियल अपडेट फ्रॉम व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के द्वारा जो भी होता है वो सब ऑफिशियली होता है। व्हाट्सअप कभी भी आपको ऐसे फीचर्स के लिए बाहर से डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ये सभी ऑलमोस्टली इसमें शेयर किया जा रहा है, लोग ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, तो APK वो डाउनलोड कर लेते हैं। ऑथराइड जो होती है आपको वही करनी चाहिए स्मार्टफोन के लिए, दूसरी नहीं करनी है। दूसरी करेंगे फिर उसका कलर चेंज है। और क्या होता है कि व्हाट्सअप जब भी इंस्टॉल करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर व्हाट्सअप दिखाई देता है, पर ये क्या होता है कि ये उस लोगों को हटा देता है और स्क्रीन पर भी शो नहीं करता है, ऐसा उसमें बताया गया है। और क्या हो रहा है कि ये डेंजर्स क्यों है, ये डेंजर्स इसलिए है क्योंकि हमें ये बताया गया है कि प्ले स्टोर के अंदर ये वायरस के लिए लिंक है, ये वायरस फैलाने के लिए है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इस APK को आप डाउनलोड ना करें और यूज़र्स इसको इंस्टॉल ना करें। आप नेवर इंस्टॉल योर APK ऑन फोन, ठीक है ना। सोर्स द एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी सोर्स जो होता है उसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना है। विद द अवेलेबल इन प्ले स्टोर, जो भी आपके प्ले स्टोर, आईफोन के लिए आई स्टोर, आई पे आई
आई स्टोर हैं आईफोन यूज़र्स, वो आईफोन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिसर्चर हैं वो राज शंकर, तो उन्होंने भी ट्वीट करके काफ़ी लोगों को भी अवेयर रहने के लिए बोला है। और उनके ट्वीट में यही बोला गया है कि भी अवेयर रहिए आप व्हाट्सअप पिंग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि व्हाट्सअप ने अपनी इस रिपोर्ट में बता दिया है कि हमें ऐसा कोई भी सोर्स प्राप्त नहीं हुआ है कि कौन लिंक फॉरवर्ड्स कर रहा है ग्रुप्स के अंदर। उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने कहा अगर ऐसी होती है तो आप रिपोर्ट कीजिए, हम उस पर गौर करेंगे, ठीक है ना। ये उन्होंने ये बोला है कि आप बी अवेयर रहें दिस वायरस से, क्योंकि यहाँ से APK डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। डू नॉट क्लिक एनी लिंक, कोई भी लिंक पे आप क्या कीजिए, क्लिक मत कीजिए, और विद द नेम ऑफ व्हाट्सअप पिंक वाले को तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है ना। यही चीज़ इन्होंने बोली है कि स्प्रेड हो रही है बहुत तेज़ी से वर्ल्ड में, इस ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने एक ट्वीट भी किया, ये ट्वीट किया है कि बी अवेयर, वापस बोला है कि बी अवेयर द स्प्रेड। यहाँ से क्या हो रहा है, वायरस दिया जा रहा है। वायरस क्या दिया जा रहा है कि वायरस ये चीज़ दी जा रही है, आपके फ़ोन में मालवेयर को इंस्टॉल करवाया जा रहा है। वो क्या करता है कि आपके क्लिपबोर्ड में या फिर आप जो भी टाइपिंग करते हैं ना उसके अंदर से, वो जो भी टाइपिंग कर रहे हैं वो सब वो रीड कर लेगा। जैसे आपने बैंक की डिटेल है, आप होम पेज पे बैंक के डिटेल्स आप कीबोर्ड से ही टाइप करते हैं, तो आप पासवर्ड टाइप करते हैं, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम्स इशू हो रही हैं कि वो सब चीज़ें सेव करके अपने सर्वर को दे रहा है और सर्वर फिर जो है हैकर्स के पास पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से सावधान रहिए कि ये वायरस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को आप फेस कीजिए। इस तरह से कुछ लोगों को बताए गए हैं, और इसी तरह से फ्री व्हाट्सअप और फीचर्स के बारे में बताया गया है। इन्होंने भी ये पिक्चर्स कुछ पेस्ट किए हैं, मैंने भी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगाई थी, ये वाली वो इसी को शो कर रही है, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर है तो इमीडिएटली, ठीक है। सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ चीज़ बोली, अनइंस्टॉल अनलिंक्ड द व्हाट्सअप वेब डिवाइस में भी हैं तो अनलिंक कीजिए, और क्लियर ब्राउज़र कैच जो होती हैं सेटिंग्स के अंदर आती हैं उसको आप क्लियर कीजिएगा, और चेक परमिशंस ऑल एप्लीकेशन की परमिशन भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इफ़ यू नाउ तो रिवोक कर दीजिए, आप परमिशन है तो अगर आप रिवोक कर दीजिए, जो है व्हाट्सअप ये वाला ही सही है, ये आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ऐसा ही इसमें बताया गया, ठीक है ना। साथ ही इन्होंने कुछ स्टेप्स भी बताएं, ये स्टेप्स बताएं COVID-19 के अकॉर्डिंग कि व्हाट्सएप पे आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। तो कुल मिला के आप वायरस से ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा, ये टेक्नोलॉजी का युग है, इसके अगर आपने सतर्क नहीं बती तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, ऐसा आपके लिए कहा गया है। तो आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और देखें कि हम किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं किस को नहीं कर रहे हैं, और ऐसी अगर कोई भी लिंक्स आती हैं तो उसके ऊपर अवेयर रहें, क्लिक ना करें, ठीक है ना। अच्छे लुभावने सपने देख के उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि भविष्य में आपकी ये क्या होती है कि ये वायरस आपकी फ़ोटोज़ हुई, वीडियोज़ हुई, गैलरी के अंदर कॉन्टैक्ट और भी कई चीज़ें जो सारी आपके फ़ोन का डाटा है उसको भी हिट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल यूट्यूब के, स्टडी वाइब्स के इस चैनल पर, यूट्यूब पर आपको देखने के लिए थैंक यू सो मच, और स्टे ट्यून, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से बचें, और मास्क पहनें,